बात आपने मोदी जी के लिए बोली, बात बिल्कुल सही है कि पिछले एक हफ्ते से खामोश हैं, जबकि उनको राजस्थान में, मैं अगर गलती पे नहीं हूं, जो पहले प्लान था वो 33 डिस्ट्रिक्ट, पहले 33 डिस्ट्रिक्ट थे राजस्थान में, अब तो बढ़ गए हैं, वो 33 डिस्ट्रिक्ट में एक एक रैली करनी थी। पर मोदी जी कुछ, मेरे हिसाब से कुछ दिनों से राजस्थान के, ना तो देखा ना बोला उन्होंने राजस्थान के ऊपर कुछ भी, अगर आपने नोटिस करा हो तो। दूसरी बात, और जो प्रियंका ने बातें उठाई सर, अगर आप उन पे गौर करें, एक तो महंगाई, उन्होंने टच करने की कोशिश करी जनता की समस्याओं पे ज्यादा, महंगाई की बात करी उन्होंने, बात करी जो कांग्रेस ने गारंटी दी, मतलब अशोक गहलोत ने जो गारंटी दी वो पूरा करके दिखाया। ये जो चीज है ना अमरीश जी, ये बहुत जरूरी चीज है नोटिस करना, अशोक गहलोत ने 10 गारंटियां दी थी करीब, और 10 में से मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत आज की तारीख में 6-7 गारंटियां पूरी करके डिलीवर कर चुके हैं, मतलब डिलीवरेबल स्टेज पे आ गई हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मोबाइल में जितना उन्होंने बोला था उतने नहीं बटे, पर उन्होंने 10 गारंटियों में से, जैसे मिनिमम गारंटी, इनकम गारंटी स्कीम हो या और कोई बात हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, आज प्रियंका जी ने ओपीएस पे भी एक तरह से मोदी सरकार पर हमला किया, और वो हमला क्या था, उन्होंने कहा आप ओपीएस के लिए तैयार नहीं हो, पर 16,000 करोड़ के 2 विमान खरीदने को आपके पास पैसा है, और सरकारी कर्मचारियों को आपके ओपीएस देने का पैसा नहीं है। अशोक गहलोत वो पहले आदमी थे पूरे इंडिया में जिन्होंने ओपीएस के लिए अपने आप पे एक्ट लाने की बात करी थी। ऐसे ही आप देखिए, आज जितनी भी बात प्रियंका ने करी वो ज्यादा थी राजस्थान से संबंधित, उन्होंने जिस एरिया में थी वहां पे सैनिक सबसे ज्यादा निकलते हैं, मतलब राजस्थान में वो एरिया वहां पे सैनिक काफी होते हैं, तो उन्होंने अपने दादी और पिता को भी याद करा कि मैं भी शहीद की बेटी हूं और मैं भी समझती हूं, और इसको ओपीएस से जोड़ा। फिर एक वो नई चीज लाई है जो आपने देखा हो कि वो देवनारायण मंदिर गए और 21 रुपए लिफाफे बंद करके प्रधानमंत्री मोदी ने चढ़ाए, हमें नहीं पता सर ईमानदारी की बात 21 थे या 2100 थे मैं नहीं जानता, पर वो जो लिफाफे की बात करती हैं वो जनता में कैच करता है, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट उनका जनता में रेजोनेट करता है, जनता उसको सुनना चाहती है। वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखो ये तो खाली लिफाफा लेके चलते हैं, आपको कहते हैं देते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं होता, हम जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने इस पॉइंट पे भी बड़ा स्ट्रेस करा। मेरा मानना ये अमरीश जी, आज की रैली अगर मैं देखूं तो उनकी रैली अच्छी थी क्योंकि भीड़ भी तादाद ठीक ठाक थी, और उनका भाषण भी, मैं तो कई बार ये बोलता हूँ अमरीश जी की कांग्रेस में ओरेटर्स बहुत कम है, अच्छा बोलने वाले लोग बहुत कम है, स्पीकर बहुत कम है, प्रियंका उनमें से स्टैंड आउट करती है, मतलब वो बेटर है, और इसीलिए शायद अमरीश जी आप देखें तो सबसे ज्यादा डिमांड राजस्थान में जो है, जो लोगों की आ रही है, वो प्रियंका गांधी की आ रही है और किसी की नहीं आ रही। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, उस डायस को देखिए, उस डायस पे दोनों थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, तो कम से कम आप ये तो प्रूफ कर रहे हो कि कांग्रेस में यूनिटी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो आप ये पाएंगे बीजेपी पे उन्होंने हमला करते हुए ये भी बोला, क्या मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे राजस्थान के, कोई चेहरा नहीं है, उन्होंने इस बात को उठाया वहां पर, और साथ में ये भी कहा ये तो कई भागों में बटी हुई पार्टी है, फैक्शनलिज्म बहुत है इस पार्टी में, तो उन्होंने सारा मिक्स करके जो अपना भाषण दिया मेरे हिसाब से वो सटीक था, और लोगों में जो लिफाफे वाली बात है खास तौर से मैं बोलूंगा, जो राजस्थान में उनका तीसरा विजिट है आप देखें तो, ये थर्ड रैली उन्होंने एड्रेस करी है, वो जितनी भी बार यहां आई है भीड़ उनके लिए आती है, ठीक ठाक भीड़ आती है हर रैली में, और वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाती हैं जो जनता के करीब है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने कहा सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा रखी है, और दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली उसको दिवाली से जोड़ के उन्होंने उठाने की कोशिश करी कि महिलाओं को कितनी दिक्कत हो रही है, महंगाई है। मेरे को नहीं लगता कि आज उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ा हो, और उसी टाइम पे आप देखिए अशोक गहलोत ने अपने भाषण में 2 घोषणाएं करी, एक 10,000 रुपए साल मिलेंगे महिलाओं को, और एक उन्होंने 500 रुपए का जो सिलेंडर है उसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया, पहले वो शायद 75 लाख था, अब 1 करोड़ कुछ लाख है, 4 लाख या 5 लाख ऐसा कोई फिगर है, मतलब जो उज्ज्वला में है उसके अलावा भी जो बीपीएल में उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सारी बातें आज जो हुआ खाका ये है अमरीश जी पूरी स्पीच का, और मेरा मानना है कि लोगों में शायद ये मैसेजिंग करने में प्रियंका गांधी कामयाब हो रही हैं, इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रियंका गांधी को रैली एड्रेस करने के लिए बुलावा भेज रहे हैं दिल्ली में। अभी तक 3 बार आ चुकी हैं,
आगे और देखना है अपने को, काफी बार आएंगी मुझे लगता है, और लोगों के जो इश्यूज हैं उनको उठाएंगी, और उसका अंतर कितना पड़ेगा ये तो 3 दिसंबर बताएगा। अमरीश जी बिल्कुल, सतीश जी अभी जो बात आ रही थी कि मोदी जी पता नहीं कहाँ मतलब गायब हो गए अचानक से, आज प्रियंका ने हमला मतलब तो किया लेकिन अभी कोई लिख भी रहता एमपी में 5 अक्टूबर के बाद कोई रैली नहीं हुई, क्या है ये? थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्यों अच्छा?